नमस्कार स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्मि गौरी। कवर्धा में सरकार ने आउटडोर स्टेडियम तो बना दिया है लेकिन इसके रखरखाव की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। नतीजा तो यह है कि निर्माण के बाद से लेकर आज तक परिसर का इस्तेमाल खिलाड़ियों ने नहीं किया और नहीं किया जा सका है। पहले यहाँ 7वीं बटालियन जवान रहा करते थे, उनके जाने के बाद केंद्रीय विद्यालय संचालित होने लगा जिसका परिणाम ये है कि अब तक एक भी राष्ट्रीय स्तर का खेल आयोजन नहीं हो पाया है। 2 करोड़ की लागत से बने स्टेडियम में हॉकी, हैंडबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन सहित एथलेटिक्स के कई खिलाड़ी रोजाना प्रैक्टिस करते हैं लेकिन पीने का पानी, लाइट, टॉयलेट, चेंजिंग रूम जैसी कोई सुविधा नहीं है, जबकि मैदान में ड्राइविंग सीखने वाले वाहन नजर आ जाते हैं। सवाल तो यह है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी खिलाड़ियों को स्टेडियम जैसी सुविधाएं आखिर क्यों नहीं मिल पाती। नतीजा ये है कि खेल विभाग की लापरवाही के चलते जिले के तमाम खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि वहाँ वॉशरूम है, वहाँ ना ही गेट है, कोई भी किसी के में चले जाता है, ना पानी की सुविधा है। हाँ ना, बहुत दिक्कत होती है लड़की लोग को ना कपड़ा वपड़ा चेंज करने के लिए। तो ये भवन तो बना हुआ है, दिख रहे हैं, तो वहाँ अभी केंद्रीय विद्यालय स्कूल लग गया ना, तो वहाँ नहीं हो पता। कई कुछ खिलाड़ी लोग नहीं कर रहे हैं, जिसमें शासन लगवा रहा है कि कौन लगवा रहा है पता नहीं, उसमें स्कूल स्कूल लग रहे हैं, प्राइवेट है कि क्या है, संस्था द्वारा लग रहे हैं पता नहीं। क्या इसकी शिकायत की है कभी आप लोगों ने? शिकायत तो कई बार होते रहता है, प्रशासनिक लोग आते रहते। तो करोड़ों की लागत से स्टेडियम बना दिया लेकिन सुविधाएं खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रही हैं। पहले यहां पर बीएसएफ के जवान रहा करते थे, अब यहां पर केंद्रीय विद्यालय संचालित होने लगा है। खिलाड़ियों से ज्यादा तो यहां पे जो लोग गाड़ियां सीखने आते हैं वो ड्राइविंग करते हुए साफ देखे जा सकते हैं। ना ही टॉयलेट है और ना ही सुविधाएं। सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ी यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर है। तो ड्राइविंग सीखने के लिए लोग पहुंचते हैं यहाँ पर। आपको बता दें कि खेल विभाग और जिला प्रशासन इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। उभरते हुए खिलाड़ियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब तक यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के कोई भी टूर्नामेंट नहीं हो पा रहे हैं। वजह यह है कि सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, खिलाड़ियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदीप गुप्ता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, करोड़ों की लागत से स्टेडियम बना दिया, पहले जवान रहा करते थे वो चले गए, तो अब केंद्रीय विद्यालय संचालित होने लगा है, खिलाड़ी कहाँ जाके प्रैक्टिस करेंगे? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिले का एकमात्र जो स्टेडियम है, करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ स्टेडियम बनाया गया है, खिलाड़ियों के लिए बनाया गया है, लेकिन खिलाड़ियों को कुछ ढंग से उस स्टेडियम में सुविधाएं नहीं मिल रही है, जैसे कि पानी है, बिजली है, या रूम चेंजिंग के लिए जो व्यवस्था की जाती है खिलाड़ियों के लिए, चाहे युवती हो चाहे युवा हो, इन खिलाड़ियों को काफी दिक्कत होता है ये सब मुहैया लेने के लिए। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है वो कुंभकर्णी नींद में है। जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कई बार से यहाँ के जो कलेक्टर हैं या जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, खेल विभाग के अधिकारी हैं, उनको लेकर उन्होंने कई बार से ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ के खिलाड़ियों को जो है सही ढंग से मुहैया नहीं दी जा रही है। ये साफ तौर से देखा जा सकता है कि ये जो है ये मामला जो है काफी गंभीर मामला है, और ऐसे में अगर खिलाड़ियों को अगर सुविधा नहीं मिलेगी तो यहाँ के जिले के जो खिलाड़ी हैं वो कैसे अंतर्राष्ट्रीय हो या नेशनल हो, ये तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं वहाँ कैसे आगे बढ़ेंगे। एक तरफ अगर सरकार कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, अगर कहीं मान लो बात ऐसा सुविधा नहीं मिलेगी तो बेटी आगे कैसे बढ़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि हालांकि इस बार से अब तक जो है यहाँ के जो कलेक्टर हैं या खेल विभाग के अधिकारी हैं, हालांकि आश्वासन तो देते रहते हैं लेकिन आश्वासन अभी तक ही दे रहे हैं कम से कम। और खास बात यह है कि यहाँ के जो स्टेडियम है वहाँ भी एक केंद्रीय विद्यालय लगाया जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, स्टेडियम में केंद्रीय विद्यालय कैसे संचालित होने लगा, क्योंकि केंद्र सरकार के जरिए केंद्रीय विद्यालय संचालित होते हैं। कलेक्टर साहब का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, ये कौन सी गाइडलाइन उन्होंने जारी कर दी कि स्टेडियम में केंद्रीय विद्यालय संचालित किया जाए? ये तो खिलाड़ियों के लिए बनाया गया है।
देखिए ये जो है अस्थायी रूप से यहाँ केंद्रीय विद्यालय से जो है संचालित किया जा रहा है अभी। हालांकि केंद्रीय विद्यालय के लिए जो भवन है वो ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी जब तक भवन जब तक पूरा नहीं हुआ है तब तक की केंद्रीय विद्यालय अभी स्टेडियम में